हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस वक्त कहाँ है? तो मशहूर क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के माहिरीन का कहना है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के निशानात तुर्की के एक पहाड़ कोहे अरारात पर मिले हैं, जिसकी चोटी तकरीबन 14,000 फीट ऊंची है। इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। यह कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी, 30 गज ऊंची थी। चीनी माहिरीन का कहना है कि जब उन्होंने इस कश्ती की लकड़ी की रिसर्च की तो वह यकीन से ये बात कह सकते हैं कि यह कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि यह कश्ती लगभग 4,800 साल पुरानी है और 4,800 साल पहले ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर था कि जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तूफान नूह से बचने के लिए कश्ती बनाई थी, जिसका जिक्र हमें कुरान शरीफ में मिलता है। सूरह हुद की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है, और खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया, ए जमीन अपना पानी जज्ब कर, और ए आसमान बरसने से थम जा, और पानी घट गया, और नाफरमान लोगों का काम तमाम कर दिया गया, और वो कश्ती पहाड़ पर जा ठहरी।